फलक पर चांद सितारे टंगे हैं सदियों से, मैं चाहता हूँ जमीन पर इन्हें उतारे कोई। ये अल्फाज ख्वाबों में बोले गए शायर मदन मोहन दानिश जी के द्वारा दिए गए। और कल हमारा ये ख्वाब पूरा हो गया जब हमारा चंद्रयान 3 चांद पर सुरक्षित लैंड हो गया। चंद्रयान 2 की असफलता से निराश हुए हमारे वैज्ञानिकों ने हार नहीं मानते हुए आखिरकार कल अपने तय समय से 2 मिनट पहले ही चांद पर चंद्रयान 3 के पैर गड़ाकर इतिहास रच दिया और चांद के दक्षिणी ध्रुव पर कदम रखने वाला भारत दुनिया का पहला देश बना, जिसके बाद से दुनिया भर से बधाइयां और तारीफों के संदेश आने लगे। पूरे देश में दिवाली जैसा माहौल हो गया और पटाखे छूटने लगे। इन सबके बीच अब दुनिया भर की स्पेस एजेंसीज भारत के इसरो की जमकर तारीफ कर रहे हैं। हम एक एक कर जानते हैं कि किस किस स्पेस एजेंसी ने चंद्रयान 3 की इस सफलता पर क्या क्या बोला है। अमेरिका की नासा एजेंसी के प्रशासक बिल नेल्सन ने कहा, चांद के साउथ पोल पर चंद्रयान 3 के सफलतापूर्वक उतरने पर इसरो को बधाई। इसी के साथ चांद पर स्पेसक्राफ्ट की सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला भारत 4th सफल देश बन गया है। उसके इस अभियान में सहभागी बनकर हम बहुत खुश हैं। रूस की स्पेस एजेंसी रॉस्कोस्मोस ने कहा, चंद्रयान 3 अंतरिक्ष यान की सफल लैंडिंग पर भारतीय सहयोगियों को बधाई देती है। चांद पर खोज समस्त मानव जाति के लिए अहम है। भविष्य में ये गहरे अंतरिक्ष शोध के लिए मंच बन सकता है। वही यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने चंद्रयान 3 की सफलता पर कहा, अतुलनीय। इस तरह किसी दूसरे ग्रह पर भारत की नई प्रौद्योगिकियों का प्रदर्शन करना और पहली सॉफ्ट लैंडिंग का तरीका शानदार है। इस प्रक्रिया को हमारा समर्थन है। इस सफलता ने बड़ी सीख दी है, ये अहम विशेषज्ञता प्रदान कर रही है। इन सबके बाद यूके स्पेस एजेंसी ने भारत की इस सफलता पर कहा कि आपके मिशन ने इतिहास रच दिया है, इसके लिए इसरो और भारत को बधाइयां। भारतीय मिशन की सफलता संभावनाओं के नए द्वार खोलने जा रही है। भारत कल की इस सफलता से अंतरिक्ष में अगले अध्याय की ओर आगे बढ़ चुका है। चंद्रयान 3 मिशन की सफल लैंडिंग के बाद देश की सफलता और हमारे वैज्ञानिकों के इस महान कार्य पर आपका क्या सोचना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए द नगरी न्यूज़। शुक्रिया।